वाश की स्टील की जो टोंटी होती है ना जो नल होता है आप ख़राब दवाई से भी इसको क्लीन कर सकते हैं आज आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ यहाँ पर देखिए जंग वगैरह चढ़ जाता है ना कभी भी स्टील पर देखिए इस तरीके की गंदगी होती है चिपचिपे जैसे दाग होते हैं आप ना खराब दवाई से भी इसको क्लीन कर सकते हैं एक टेबलेट ले लें पीस करके आप इसके ऊपर डाल दें और जैसे मैं साफ़ करने वाला हूँ ना चाहे तो आप उसी तरीके से भी इसको क्लीन कर सकते हैं अभी कंडीशन देख रहे हैं ना इसको हम नया करने वाले हैं केवल ख़राब दवाई से ही इसको क्लीन करेंगे ना कि कोई भी हम यहाँ पे पैसे से कोई भी चीज़ लेने वाले तो फ्री में हम इसको चमकाएंगे तो ऐसी ऐसी यूज़फुल और मनी शेविंग टिप्स में लाता रहता हूँ चैनल पर सुरेंद्र किचन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब करके रखें यहाँ पर मैंने एक स्क्रब लिया और एक टैबलेट लिया है मात्र मैंने ये ख़राब है रूज़ है दवाई को फेंकने से पहले आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं जो कि खास करके मैं रियूज़ आइडियाज़ ही चैनल पे लाता रहता हूँ देखिए इस तरीके से तोड़ करके फोल्ड करके चाहे आप इसका पीस करके बुरा जैसा बना करके इस तरीके से स्क्रब पे रख करके भी रगड़ सकते हैं अभी आप इसका देखेंगे लाइफ बिल्कुल ये नया कर देंगे हम इसको बेहतरीन चमक स्टील को चमकाने के लिए और भी बहुत सारी घरेलू चीज़ें हैं जिससे हम इसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं मात्र एक रुपये दो रुपये में कोई भी महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है फ्री का सिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको ख़राब टैबलेट हो कभी कभी जो ताकत वाले सिरप होते हैं ना जो टॉनिक होते हैं पीने वाले वो ख़राब हो जाते हैं आप फेंक देते हैं फेंकना नहीं है उसको भी यूज़ करने का तरीका मैं एक वीडियो में बताऊँगा आपको कहाँ यूज़ करना है उसको किसी क्लिनिंग के लिए यूज़ नहीं करना है किसी को साफ़ करने के लिए मैं बताऊंगा एक वीडियो लाने वाला हूं जो ख़राब सिरप वगैरह बच जाते हैं उसको कहाँ डालना है ठीक है तो देखिए अभी फ़िलहाल में हम टैप को क्लीन कर रहे हैं वीडियो छोटा सा है लंबा नहीं है वीडियो को पूरा देखें दो ढाई मिनट का वीडियो होगा देख सकते हैं अभी कंडीशन बिल्कुल नया हमने टैप कर लिया मात्र खराब दवाई से ये देखिए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्लीन है देखिए थैंक यू